आपका स्वागत करता हूँ। मुमरा के अमृत नगर में 3 दिन पहले जो हत्या हुई थी, थाने क्राइम ब्रांच ने उसके आरोपी को 3 दिनों के बाद उसको तलोजा से ढूंढ निकाला। आइए आज इस खबर की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। एक शटर खुला था और शटर के अंदर एक आदमी घुस गया और वो चोरी करने के हेतु से अंदर गया था। जब उस शॉप के अंदर एक आदमी सोया था, उसको देखा कि अपने शॉप के अंदर कोई तो भी आया है, तो उसने उसको पूछताछ किया तो उनके बीच में झगड़ा हो गया। वो झगड़े के बीच में उसने जो दुकान में हथौड़ा पड़ा था वो हथौड़े से उसको मार दिया था और वहाँ से भाग गया था। लेकिन अपनी जो टीम है एसीपी रोहित साहब और उनके टीम जो यूनिट 1 के हमारे ठाकुर साहब हैं, गहर साहब हैं, कुराड़े साहब हैं, उन्होंने पूरा उसके ऊपर फोकस लगाया था। और कल रात को अपने को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो आने वाला है, तो रात को 12:30 अपन ने मुंबई से उसको पकड़ लिया। अभी अपने वो हिरासत कितने दिन की पीसी मिली है? अभी आज अपन उसको 24 जुलाई को अमृत नगर सिग्नल के पास जो मुमरा इंग्लिश स्कूल को जो रास्ता जाता है, जो अपना अपार्टमेंट उसके जो ग्राउंड फ्लोर में जो दुकान है जिसको तमन्ना ट्रेडिंग के नाम, जहाँ पे स्टील सप्लाई का काम किया जाता है, वहाँ पे एक मजदूर की रात में बड़ी बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जानकारी मिलते ही मुमरा पुलिस स्टेशन ने वहाँ पे पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए कलवा के शिवाजी अस्पताल में रवाना किया। और उस आरोपी जो फरार हो गया था, उसने उस हत्या करने के बाद वहाँ पे दुकान से 1.5 लाख रुपया लेकर फरार हो गया था, उसका सीसीटीवी में कुछ फुटेज आए थे, उसकी मदद से मुमरा पुलिस और थाने क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमों ने उसके लिए उस आरोपी की तलाश के अलावा थाने आयुक्तालय की जो जो टीमें थे, खास करके अपराध शाखा से जुड़ी हुई जो भी टीमें थी, सभी ने मिलकर एक ट्रैप लगाया। और नितिन ठाकरे की जो नेतृत्व में जो आरोपी था, जो हत्या करके फरार हुआ था, उसको तलोजा से गिरफ्तार किया। इस तरीके की पत्रकार परिषद का आयोजन यहाँ पे थाने में आयोजित की है, उसमें वहाँ पे जो अधिकारी ने उन्होंने बताया कि वो चोरी की नीयत से वो उस दुकान में दाखिल हुआ था और वहाँ तो देखा कि जो वहाँ पे जो सप्लाई जो मजदूर था वो सो रहा था। जब वो उसकी अड़बड़ाहट से वो जागा तो उसके हाथ में उसके एक हथौड़ा आ गया और हथौड़ा उसने सर पे दे मारा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने वहाँ से 1.5 लाख रुपया लेके फरार हो गया था। ये घटना होते ही पूरे शहर में एक सनसनी का माहौल पैदा हो गया था और इस मामले को देखते हुए मुमरा पुलिस के अलावा थाने आयुक्तालय की टीम ने भी यहाँ पे उस आरोपी की तलाश में तलोजा से उस्मान गनी नामी एक शख्स को, जो 20 साल का है, वो तलोजा का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। ये थी हमारी अपराध से जुड़ी हुई खबर। फिर एक नई खबर के साथ आपके साथ में हाजिर होंगे। मैं हुसैन सुल्तान अलविदा लेता हूँ, नई खबर के साथ में हाजिर होगा।